आज रायकी में हमारे 11 लोग पॉजिटिव आए हैं और एक उसमें इंक्लूड हुए और एक नेगेटिव है। ये जो भी 13 लोग हैं मुंबई से आए थे और मुंबई से आने के बाद में इनको होम क्वारंटाइन किया गया था और 14 तारीख को इनका सैंपल लिया गया और उस सैंपल में ये 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और एक जो है इंक्लूसिव है तो उनका भी फिर से रिपीट सैंपल होगा। यानी 11 लोगों को अभी फ़िलहाल हम भीमराव अम्बेडकर जो हमारा कोविड केयर सेंटर है आसपास का वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी इसमें हाई रिस्क के हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनको हम डूंगरपुर शिफ्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा रामगढ़ और एक व्यक्ति कुंजपुर का है और काकरौली के 3 व्यक्ति हैं जिसमें एक छोटी बच्ची है वो भी इंक्लूसिव है। तो ये जो अपना रायकी वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सभी लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर में पहले से थे और अभी आगे जो भी प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको समय समय पर सूचित कर देंगे। सर और भी और कुछ लोग बाहर से आने वाले हैं उसके लिए प्रशासन क्या मतलब कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन की संबंध में पूरी तैयारियां हैं और अब हम ग्राम पंचायत लेवल तक जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर हम तैयार करेंगे ग्राम पंचायत लेवल पर। कोशिश करेंगे कि हर ग्राम पंचायत पर कम से कम 30 से 40 के बीच में अपन जो बेड क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर तैयार कर सकें। और इसके अलावा प्रशासन पहले से ही मुस्तैद हैं क्योंकि पहले भी यहाँ 4 व्यक्ति पॉजिटिव आए थे और वो सब लोग नेगेटिव होकर अपने घर जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सब लोग भी सकुशल वापस घर लौटेंगे। थैंक यू। रायकी को सील करेंगे क्या सर? हाँ रायकी में आज हम कर्फ्यू लगाएंगे। अभी हम तथ्यात्मक रिपोर्ट बना रहे हैं, एक बार कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए, लाइन लिस्टिंग हो जाए उसके बाद में हम कर्फ्यू लगाएंगे।